नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट माँ तुझे सलाम। हमारे बीच जुड़ चुकी हैं आज चर्चाओं के क्रम में बिजनेस वुमेन, जी हाँ, सुनीता बाहेती जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम आपके सामने रखेंगे सुनीता बाहेती जी की इनसाइड स्टोरी कि आखिरकार कैसे उन्हें सक्सेस हाथ लगी, कैसे उन्होंने अपना नया स्टार्टअप तैयार किया और कैसे आज उन्होंने एक नए मुकाम को हासिल किया है। सुनीता जी, सबसे पहले बताइए कि आम तौर पर महिलाओं की एक धारणा होती है कि कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए शादी के बाद, ताकि घर भी अच्छे से चलता रहे और एक लाइफस्टाइल हमारी जो है वो मुसलसल कायम रहे, हम जॉब करते रहें, एक टाइम हमारा कैसे भी पास हो जाए, फैमिली भी बनी रहे और हमारा जो नॉलेज है वो लगातार आगे बढ़ता चला जाए। परंतु आपने जॉब ना करते हुए बिजनेस लाइन को चुना, ऐसा क्यों? बिजनेस में क्योंकि मेरे पति मिस मनोज भाईती, ही इज़ ऑल्सो इन टू द बिजनेस ओनली, और बचपन से मेरी चाह थी कि मैं खुद कुछ ऐसा काम करूँगी जो कि मैं सक्सेस की तरफ जा सकूँ, उसको उसी से लोगों को रोजगार दे सकूँ और कुछ अपना क्रिएट करूँ। तो आपने जॉब वगैरह की स्टार्टिंग में या शुरुआती दिनों से ही आपने सोचा कि अब बिजनेस ही करना है और खुद का ही कुछ करके दिखाना है? जी, मैंने की थी। जब मैं 17 इयर्स की थी तो मैंने एक ट्रेनिंग ली थी, फुल टाइम 9 to 5 ट्रेनिंग फॉर द अकाउंट्स, ट्रेनिंग फॉर द बिजनेस की कैसे क्या काम करते हैं और क्या तरह की चीज़ें होती है, एक कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, उसके बारे में मैंने नॉलेज हासिल किया था जब मैं 17 साल की। आप बॉम्बे से हैं, शादी के बाद आपका इंदौर आना हुआ, इंदौर और बॉम्बे के कल्चर में आपको बेसिक अंतर क्या महसूस होता? इंदौर थोड़ा कंजर्वेटिव था, अब तो नहीं है, खैर, और बॉम्बे से बहुत फ्री, फ्रेंडली और बहुत ही अच्छा एटमोसफियर लगता है मुझे बॉम्बे का। हालांकि इंदौर भी अब चेंज हो चुका है और इंदौर भी बॉम्बे की तरह होने लगा। आमतौर पर अन्य महिलाओं की धारणा रहती है कि पति के बिजनेस में ही आगे जुड़ जाएं, वहीं काम करें, उन्हीं के साथ एसोसिएट बन के काम करते रहें, काम भी इजीली होता रहेगा, मनोरंजन भी हो जाएगा, टाइम पास भी हो जाएगा। परंतु आपने ज़्यादा दिन अपने पति के साथ काम नहीं किया और एक अपने नए स्टार्टअप की तरफ मूव किया, ऐसा क्यों? मैंने काम किया 6 महीने मेरे पति के साथ, लेकिन बात ये थी कि इनका काम था जो एक सेट था, एक मुकाम पे पहुंच चुका था, वहाँ पे मेरी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और मुझे लगा कि 0 मार्जिनिटी पे काम करना मुझे सूट नहीं करता है, कि जो मैं काम करूँ उसका कुछ तो महत्व हो, कुछ तो उसका अर्थ निकले। और दूसरा, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि जो स्टाफ है, जो लोग हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे समझ रहे हैं, वो कभी यह ना समझे कि ये तो मैम है और ये जो चाहेंगी वो करेंगी, जब आना जब आएगी ऑफिस, जब ना आना ना आएंगी, और इनको क्या पता क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिमाग में बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पूरा 0 से स्टार्ट करती हूँ और आई शुड नो एवरीथिंग कि सेल्स टैक्स क्या है या GST क्या है या ये सारी चीज़ें जानने के लिए और एक अपना मुकाम तैयार करने के लिए मैंने बिजनेस की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया। आपको बता दें कि अमृत कॉरपोरेट की CEO हैं सुनीता बाहेती जी। आपका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार आपकी कंपनी करती क्या है, क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी कंपनी की और क्या सुविधाएं मुहैया कराती हैं आप अन्य कॉरपोरेट कंपनीज को? वी आर डीलिंग विद द कॉरपोरेट गिफ्टिंग, वेडिंग, हाउस होल्ड्स, डेकोरेटिव्स एंड इवेंट्स, जैसे 25th हो किसी की, 50th हो किसी की, तो हम गिफ्ट कस्टमाइज करते हैं, गिफ्ट को उनके हिसाब से बनाते हैं और जितना जो बेस्ट हो सकता है, जो न्यू लॉन्च होता है, जो न्यू मार्केट में अवेलेबिलिटी होती है, और उसमें हम अपने एफर्ट्स डाल के उसको एक अनोखे तरीके से तैयार करते हैं और वो हम सर्विसेज देना चाहते हैं अपने कॉर्पोरेट्स को भी और अपने कस्टमर को भी और आम जनता को भी। कॉम्पिटिशन का दौर है, सभी बेहतर करना चाहते हैं, इतने कॉम्पिटिशन के दौर में इंदौर जैसे सिटी में खुद को कायम रखने के लिए, खुद को सफल बनाए रखने के लिए क्या एजेंडा रहता है आपका कि कैसे आप खुद को बेस्ट प्रूव कर सकें? एक तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, मेहनत और आपकी लगन और आपकी सोच और पॉजिटिविटी, अगर आपके मेहनत करने की ताकत है, जज्बा है मेहनत करने का, पॉजिटिविटी है और आपको लगन है कि मुझे ये काम करना है और हमें कुछ कर गुजरने की अगर हुनर है हम में, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी लाइन कितनी लंबी है। आई बिलीव इन माई ओन लाइन, मुझे अपनी लाइन बड़ी करनी है, मुझे बिलीव नहीं है कि मैं किसी की लाइन कट करके आगे चलूँ। तो इस कारण मुझे लगता है कि हर आदमी में कुछ ना कुछ अलग करने की उम्र, अलग करने की एक इच्छा होती है और वो कुछ अलग कायम कर सकता है अगर मेहनत करता है।
चूंकि आपके हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव थे, आपकी मदद भी की, परंतु जब आपने उनके बिजनेस से अलग हटके जब अपना एक अलग ऑरा तैयार करने की कोशिश की, अपना स्टार्टअप तैयार करने की कोशिश की, तो क्या कोई नोकझोंक ऐसी हुई? क्या उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया कि यार सुनीता ये करने की क्या जरूरत है, अपना अच्छा खासा बिजनेस है, तुम इसमें इन्वॉल्व हो सकती हो, अपना स्टार्टअप तैयार करने की क्या जरूरत है? ऐसा कुछ हुआ सुनीता जी शुरुआती दिनों में? हाँ बिल्कुल हुआ, जब शुरुआत जब मैंने किया और जब मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि मुझे काम करना है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना काम शुरू करूँ अपने आप, तो मेरे हस्बैंड ने ज़रूर मुझे कहा कि जब सब कुछ है तुम्हारे पास में एंड एक्चुअली वी आर नॉट फाइटिंग फॉर द ब्रेड एंड बटर, तो व्हाई यू वॉन्टेड टू डू द मच। तो मेरा ये कहना था कि मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करना चाहती हूँ और अगर मुझ में कैलिबर है तो क्यों ना करूँ, और मेरे कैलिबर से और कुछ करने से अगर मैं किसी का भला कर सकती हूँ या मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट। बिल्कुल ठीक, जब हम आपको बता दें कि जब भी महिलाएं स्वयं का कुछ करना चाहती है, स्वयं की लाइन बड़ी करना चाहती है, समाज को कुछ नया देने का प्रयास करती है, तो जो पहला संघर्ष होता है सुनीता जी वो परिवार से ही शुरू हो जाता है, और जो एलिगेशन होते हैं या जो ऑब्जेक्शन होते हैं वो परिवार से शुरू हो जाते हैं। कोई ना कोई मेंबर परिवार का ऐसा होता है जो ये क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि आखिरकार करने की ज़रूरत ही क्या है, हमारे पास सब कुछ तो है, कैसे देखती है? बिल्कुल सही, ये तो ज़रूर होता है क्योंकि आप एक पारिवारिक फैमिली से रहते हो, एक परिवार में रहते हो, तो आपकी प्रेजेंस आपके सारे मेंबर्स को कंफर्टेबल फील कराती है, हर जगह हर समय आप सबका ध्यान रखते हो, और जब आप मूव करते हो तो कहीं ना कहीं आपका घर डिस्टर्ब तो ज़रूर होता है, तो वो डिस्टर्बेंस को बैलेंस करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ा। एक साल तक शुरुआती इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, काफ़ी क्लैश होती थी और काफ़ी समझने में टाइम लगा एक दूसरे को, लेकिन अब वो सब कुछ नहीं है और मतलब अगर चाहे तो। सुनीता जी अपने प्रोफेशनलिज्म और अपने पर्सनल लाइफ में कैसे बैलेंस रखती हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं, परिवार है, दोनों को जमा करके रखना है, क्योंकि नौकरी का एक शेड्यूल होता है कि ठीक है 6 घंटे 8 घंटे की नौकरी हुई और अब हम अपने घर लौट आते हैं और अपनी जो दूसरी दिनचर्या है उसको आगे फॉलो करते हैं, परंतु बिजनेस का कोई टाइम लिमिट नहीं होता, कोई घंटे नहीं होते कि हमको 2 घंटे काम करना है 8 घंटे काम करना है, कई बार ऐसा होता है, और जो आपने आपका प्रोफेशन बताया उसमें तो टाइम लिमिट जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, तो ऐसे में अपने परिवार के बीच में और अपने काम के बीच में कैसे बैलेंस बना करके आपने रखा, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां तो आपने आगे भी निभाई? यही मैं ट्राई करती थी हमेशा, जैसे कि हमारा सीजन टाइम होता दिवाली, तो दिवाली में हमें रात को 2 भी बज जाती थी ऑफिस में, कभी कभी हाईएस्ट टाइम 4 भी बज गई हमें, जब हमारा एग्जीबिशन होता है या हम जब आगे कुछ चीज़ प्रमोट करते हैं, तो उस समय मुझे बहुत सारा टाइम अपने ऑफिस में देना पड़ता है, मेरे काम के प्रति देना पड़ता है, तो उस समय घर को बैलेंस करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन आई डू द प्लानिंग एंड बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि मैं हर एक डे प्लान करती हूँ कि इस डे में मुझे क्या क्या करना है और क्या क्या काम है, तो घर को बैलेंस करने के साथ साथ मैं बिजनेस भी बैलेंस करना चाहती हूँ, तो मैं टाइम डिवोट करती हूँ। व्हेन आई एम एट होम तो मैं घर के ही काम समझती हूँ, बिजनेस के काम नहीं करती हूँ, जब मैं बिजनेस में हूँ या जब मैं अपने ऑफिस में अपने टेबल पे हूँ तो आई डोंट वांट डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम माय हाउस, तो ये थोड़ा मैं फॉलो करती हूँ, इससे मैं काफ़ी अपने आप को फ्री और अच्छा महसूस करती हूँ, ताकि मैं बिना डिस्ट्रैक्शन के दोनों तरफ अच्छा काम। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि योजनाबद्ध तरीके से यदि कोई काम किया जाए तो ना ही पर्सनल लाइफ सर्वाइव करती है और क्या प्रोफेशनल लाइफ का तो सवाल ही नहीं उठता, अगर हम सही प्लानिंग के साथ सही दिशा में काम कर रहे हैं, सही ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, तो सक्सेस देर सवेर मिलती है। सुनीता जी आपने बताया कि आपने आपके हस्बैंड से कोई फाइनेंशियल मदद ली नहीं, तो इतना बड़ा स्टार्टअप तैयार आपने आखिरकार कैसे किया, क्या स्ट्रगल था शुरुआती दिनों में, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, मैं तो कह सकती हूँ कि ये सिर्फ एक सोच थी और एक सोच के साथ में एक मेहनत थी और आपकी सच्चाई थी आपके साथ में, उससे आपने काम किया, ये कोई बात नहीं थी कि फाइनेंशियली मुझे मदद नहीं मिल सकती थी, मैं मजबूर थी काम करने के लिए, लेकिन मेरी एक सोच थी कि दिस इज़ द हार्ड कोर मनी, तो मैं चाहती थी कि जो पैसा है वो बर्बाद ना हो, मैं उस लायक बनूँ, तब मुझे कभी जरूरत पड़े तो शायद मैं ले सकूँ, तो इस समय में मैंने सब अपने आप मेहनत करके एक जीरो से शुरुआत की, उसमें मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा ज़रूर, लेकिन एक रोटेशन जब मेरा शुरू हुआ तो मुझे आज की डेट में कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है एंड आई डोंट नीड एनी फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम एनी। सुनीता जी बिजनेस बहुत सारी महिलाएं करना चाहती हैं, कर भी रही हैं, छोटी सक्सेस है, बड़ी सक्सेस है, सभी का अपना अपना एक दायरा है,
आइडिया किसी के पास परफेक्शन वाला नहीं है कि हमें यही करना है और इसी दिशा में काम करते रहना है। आपको कैसे लगा कि गिफ्ट मैनेजमेंट का जो काम है वो सबसे परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि ये बेहद यूनिक आइडिया है। हमें जब भी कुछ लेना होता है तो हमें ये समझना पड़ता है कि कहाँ से लें, हमारे पैसे भी ज़्यादा ना लगें और हमारा काम भी बहुत बेहतर ढंग से हो सके, हम अच्छी वेल विशेष लोगों तक पहुँचा पाएँ, अच्छे गिफ्ट लोगों तक पहुँचा पाएँ। तो एक ज़रिया आपने लोगों को तैयार करके दिया। ये एक्चुअली मुझे आई लाइक टू वर्क कॉर्पोरेट कल्चर, मुझे कॉर्पोरेट कल्चर बचपन से ही बहुत पसंद था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 8-17 में भी काम कर चुकी हूँ, तो मुझे कॉर्पोरेट कल्चर और कॉर्पोरेट के हिसाब से ही कुछ काम करना था। तो आई थिंक कि जब मैंने ये काम शुरू किया और जब मैंने ये सोच बनाई तो उस समय ज़्यादा महिलाएँ इसमें नहीं थी, ज़्यादा लेडीज़ इसमें नहीं थी, क्योंकि ये काफ़ी नई और यूनिक सोच थी। और जो मेरा काम करने का तरीका है वो अलग है। जो मैं काम करती वो एक दुकान नहीं है कि आपकी जब मर्जी जब आप आ जाओ और जब मर्जी जब आप देख लो। तो मेरा 1-to-1 रिलेशन होता है। जब मैं किसी के साथ में, कोई कंपनी के साथ में या कोई कॉर्पोरेट कंपनी के साथ में गिफ्टिंग प्लानिंग करती हूँ तो मेरा 1-to-1 रिलेशन बनता है। लोग मुझे जानते हैं, मैं लोगों को जानती हूँ, और एक अच्छे रिलेशन के साथ में आप बिजनेस कर सकते हो तो वो एक बात अलग ही रहती है। और ये सब सोचते हुए मुझे लगा कि गिफ्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर सेगमेंट में ज़रूरत है, चाहे वो किसी घर में शादी हो, चाहे वो 25वीं हो या 50वीं हो, या कॉर्पोरेट के अंदर आपका डे टू डे की लाइफ में जो कॉर्पोरेट्स में सप्लाई होती है उसमें ज़रूरत हो आपको, या फिर कंपनीज की सिल्वर जुबली हो। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ये रोज़मर्रा की ज़रूरत है। किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, तो ऐसे सारी चीज़ों में गिफ्ट जो ऐसी चीज़ें जो हम उसको अगर अलग तरीके से प्रेजेंट करके दें तो वो सबकी सभी के लिए अच्छा होगा। और यही सोच के कारण मैंने गिफ्ट में आना पसंद किया। सुनीता जी, अमृत कॉर्पोरेट से कोई खाली हाथ ना जाए, मतलब सभी को कुछ ना कुछ मिले, चाहे उसका खर्चा या बोला जाता था रेंज चाहे कितनी भी हो, बजट कितना भी हो, पर आपके पास से कोई खाली ना जाए, इसकी प्लानिंग आपने कैसे की कि यदि कोई मेरे पास आया है तो वो मेरे वहाँ से खाली नहीं जाना चाहिए, भले उसे 4 पैसे का सामान लेना हो या 4 लाख का सामान लेना हो, आपके पास सभी चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो, तो ये योजना, ये प्लानिंग आपने कैसे बनाई? मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरा जो बकेट है, जो मेरा जो काम करने तरीका या मेरे जो बकेट है वो फुल ऑफ चॉइसेस होना चाहिए। और जब भी कोई आए लेने के लिए तो उसे ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि मेरे पास चूँकि पैसा नहीं है तो मैं अमृत कॉर्पोरेट जाके नहीं खरीद सकता हूँ, वहाँ पे से महंगे गिफ्ट मिलते हैं। तो मुझे ये इन्फिनिटी नहीं चाहिए थी, पब्लिक में भी, लोग में भी, और मुझे मेरा खुद का मानना है कि हमें सबको एक समान ही समझना चाहिए। तो इट्स ओके, अगर आपकी बजट 400 रुपये का तो आप 400 का मिलेगा, 4 रुपये तो आप 4 रुपये का लीजिए, 4000 तो 4000 का, 4 लाख तो 4 लाख लीजिए। तो इस तरीके से मैंने सभी सेगमेंट्स के लिए गिफ्ट्स की प्रावधान बनाए और चाहा कि सब तरह के लोग इसका ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा ले सके और उठा सके। ये लोगों की पसंद पे कायम करता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं लोगों की पसंद के ख्याल रखते हुए उनको उनके रेंज के हिसाब से गिफ्ट प्रोवाइड करूँ। सुनीता जी, काम चाहे हम कोई भी करें, या तो सफलता मिलती है या सबक मिलता है। तो आपका जो ये 10 साल का 12 साल का पूरा करियर रहा, तो सफलता तो खैर आपको मिली ही है, परंतु क्या कोई ऐसे सबक भी आपको मिले लाइफ में आपके इन 10 साल के करियर में, जो आपको अभी भी बोला जा सकता है कि याद आते हैं तो अंदर से झकझोर भी देते हैं, भयभीत भी कर देते हैं और आपको आगे के लिए मोटिवेट भी करते हैं? बहुत कुछ अच्छा भी हुआ और बहुत कुछ बुरा भी हुआ, अच्छा और बुरा दोनों ही हुआ। कभी कभी ऐसा होता था कि हमारी जो प्रॉब्लम हमें जब आती थी, जब हमें एक्सपोर्टर इम्पोर्टर या हम जब सामान कहीं से मंगाते थे या लेते थे या किसी का ऑर्डर लेने के बाद में जब आप वो सामान ढंग से सप्लाई नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा आपका ऑर्डर रिजेक्शन में चला जाता था और आपके उस समय काफ़ी फाइट होती थी। और कई लोग ऐसे होते थे जो कमिटमेंट करने के बाद में भी आपको वो चीज़ देते। बेसिकली मेरी कंपनी जो है वो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, ठीक है? तो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी में ये होता है कि आपने ये माल पसंद किया और आपको ए से लेके सी तक देना है, लेकिन बी इज़ माय कंपनी। तो मेरी कंपनी उस सब चीज़ों का ध्यान रखती है कि ट्रांजेक्शन किस तरीके से हो, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी उनकी ज़रूरत क्या है, हर तरह से स्मूथली वो जो हमारा रिलेशन है वो चले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गलती चाहे मेरे वेंडर की हो जिससे मैं माल ले रही हूँ, वो कई बार डिच करते हैं और उनका मैं कुछ कर नहीं पाती कई बार।
तो वो लॉसेस उठाने पड़ते हैं। और जैसे मान लीजिए जिनको आपने गिफ्ट सप्लाई किए उन्हें अगर गिफ्ट पसंद नहीं आए या कुछ उनके हिसाब से कुछ कमी रह गई, तो ऐसा भी होता है कि वो कैंसिल कर दें कि आपने जो सामान पहुंचाया वो परफेक्ट नहीं है? हाँ, कई बार करते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन्हें बेस्ट टू बेस्ट दे, अच्छे से अच्छे दे, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो वो मानते ही नहीं है और एट द एंड ऑफ द डे आपको नुकसान होता है और कंपनी में जरूर नुकसान होता है। कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो कि आपको नुकसान दे जाते हैं। सुनीता जी, इस 12 साल के करियर में कभी ऐसा हुआ जब अंतरात्मा से सुनीता ने सुनीता से बात की और ऐसा हुआ कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है? कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं और फिर भी ये किंतु परंतु हमारे साथ आगे बढ़ता रहता है, तो क्या कभी ऐसा डिप्रेशन का दौर आपकी लाइफ में आया इन 12 साल में कि तब आपको लगा कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है भी या नहीं है? ऐसा काफ़ी बार होता था, क्योंकि क्या होता था, जब आप एज अ महिला, एज अ वुमेन, आप जब बाहर काम करने जाते हो तो आपको बहुत लोगों से टकराना पड़ता है, बहुत लोग आपके बीच में हडल्स डालते हैं, खलन डालते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ। एक किस्सा ये था कि जब मैं एक कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी के लिए काम करना कर रही थी, तब मुझे काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला था उस कंपनी से, और लेकिन जिस आदमी के साथ में मैं डील कर रही थी, एक कॉर्पोरेट कंपनी के बिहाफ में ही वॉज डीलिंग विथ मी, तो उनके साथ में कुछ उलझन इस तरीके से हुई, सेटिंग कुछ इस तरीके से, वो इस तरीके से चढ़ गए मुझ पे कि उन्होंने मेरा एक सेगमेंट जाने के बाद में मेरा पूरा का पूरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और उस कंपनी ने एक साल तक मुझसे कुछ भी काम नहीं किया। मतलब मैंने जीरो पैसा काम किया, जबकि दैट कंपनी वॉज वेरी बिग क्लाइंट ऑफ माइन, उससे मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उस बंदे ने था, उन्होंने बहुत बुरा किया, लेकिन मेहनत करने वालों की और सच पे चलने वालों की कभी हार नहीं होती। उस तरीके से आज वो सिचुएशन नहीं है और मैं ओवरकम कर गई, लेकिन डिप्रेशन के काफ़ी मौके आए, और मतलब ऐसा लगा कि कभी कभी कि ठीक है यार, ये दिस वर्ल्ड इज़ रियली नॉट बिलोंग्स टू मी, या मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन घर के लोग इतने अच्छे थे, पापा से या मेरे हस्बैंड से जो भी हमेशा मोटिवेशन ही मिला कि हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, परेशानी तो आएगी, दुख के साथ सुख आता, सुख के साथ दुख। पर ये बहुत बड़ी बात है सुनीता जी, आमतौर पर महिलाओं की धारणा ये होती है कि अगर कांच का ग्लास भी उनके हाथ से टूट जाता है तो रात को नींद नहीं आती कि आज मेरे हाथ से कांच का ग्लास टूट गया, मतलब नुकसान हो गया। महिलाओं को नुकसान कतई बर्दाश्त नहीं होता, परंतु आप बिजनेस लाइन में हैं और मुनाफा और नुकसान जो है ये सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं बिजनेस लाइन में, कि या तो मुनाफा होता है या तो नुकसान होता है, और ऐसा किसी बिजनेस में नहीं होता कि सिर्फ मुनाफा ही होता चला जाए या सिर्फ नुकसान ही हो। तो आपने संयम कैसे बरता इस पूरे बिजनेस के दौरान? संयम बरतना भी एक ऑप्शन ही होता है देखा जाए तो, पर मुझे लगा कि अगर हमें काम करना है तो ये सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। वो समय कठिन जरूर रहा, लेकिन जैसे कि रात के बाद दिन होता, दिन के बाद फिर रात और रात के दिन, तो उसी तरीके से मैंने भी ये सोचा कि अगर आज दिन बुरे हैं या आज हमारा काम समझो इस महीने नहीं चल रहा या 6 महीने नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कल चलेगा। तो संयम का साथ कभी नहीं छोड़ा, उसी का नतीजा है कि हम बिल्कुल ठीक, मतलब कहीं ना कहीं एक प्रबल इच्छा शक्ति और एक आपका दृढ़ संकल्पित होना कि एनी हाउ मतलब करना है, मतलब करना ही है, डू और डाई की स्थिति में आप डे वन से रही, और यही कारण है कि आज एक सफल बिजनेस वुमेन के रूप में आज आप हमारे बीच मौजूद हैं। अच्छा, जब भी कभी लगता होगा कि मैं हार रही हूँ या मैं वो नहीं कर पा रही हूँ जो मुझे करना है या जो मेरा एम है, क्योंकि आप सुपर एम्बिशियस हमें नज़र आती हैं कि आप बहुत कुछ करना चाहती हैं, सुनीता अभी रुकने वाली नहीं है, मतलब जो दोनों बाहें फैलाकर समय इनका इंतज़ार कर रहा है और खुला आसमान है, अभी तो बहुत कुछ, बहुत लंबी दौड़ आपको दौड़ना है, तो जब भी हारने जैसा लगता है तो सुनीता जी आप क्या करती हैं? क्या आप भी गुनगुनाती हैं या कोई मोटिवेशनल मूवी देखती हैं खुद को या अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए? सुनीता जी आप क्या करती हैं? ऐसा जब भी आता है तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। यस, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ, और एक अंदर ही अंदर एक कश्मकश चलती रहती है कि अब क्या करूँ और कैसे आगे बढ़ूँ। लेकिन बात यही है कि पॉजिटिव लोग जब साथ में रहते हैं तो वो आपको, जब निराश होते तो वो आपको हेल्प करते हैं। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड बहुत पॉजिटिव इंसान है, मेरे पापा मम्मा, मेरी फैमिली इज़ रियली वेरी गुड, और फैमिली का सपोर्ट भी बहुत मिलता है, फैमिली मेम्बर्स भी बहुत अच्छे हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं और वो आपको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी चिड़चिड़ाहट या आपकी जो ये कमजोरी है वो आप बच्चों के साथ शेयर करते हो, और जब बच्चों के साथ शेयर करते हो तो वो आप
हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप कर लोगे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आपके बच्चों ने आपको सपोर्ट किया और आपको मोटिवेट किया कि ठीक है मम्मा, कोई बात नहीं, हार जीत और ऊंचा उठना गिरना, आगे लड़ते रहना, ये खैर जीवन में चलता रहता है, आप मत रुकिए। ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे आपको समझाते थे कि आपको रुकना नहीं है, करते रहना। मतलब उनके मन में भी एक जिज्ञासा थी कि वो अपनी माँ को बढ़ते हुए देखना चाहते थे। ये बिल्कुल सही कहा, और एक तरह से देखा जाए तो मेरा मोटिवेशन और बिजनेस में आने का एक बहुत बड़ा रीज़न मेरे बच्चे भी रहे, क्योंकि मैं पहले समझती थी कि बच्चे घर पे आते हैं, मैं उन्हें ध्यान रखती हूँ, उनका नाश्ता, उनका खाना, उनका पीना, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, सब कुछ मैं करती हूँ, तो आई एम अ परफेक्ट वुमेन, मैं सब काम करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बच्चों की ये इच्छा थी कि मम्मा जब इतना कुछ कर सकती है और मम्मा में जब इतनी सारी कैलिब्रिटीज़ है, मम्मा में इतना कैलिबर है, तो वो क्यों नहीं बाहर की दुनिया में भी जाके अपना एक मुकाम तय कर सकती है। तो उन्हें उनके हिसाब से वो चाहते थे कि मैं भी कुछ काम करूं, मैं भी कुछ बिजनेस करूं और मैं भी अपना कुछ मुकाम तय करूं। तो उन्हीं के कारण मुझे एक फील आया कि आई रियली वांटेड टू शो माय चिल्ड्रन की सी इवन आई कैन वॉक, और वो लोग आज इस बात से बहुत खुश होते हैं कि उनकी मामा भी काम करती, दे आर वेरी हैप्पी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कैसे देखती सुनीता जी आपके अदर कॉम्पिटिटर्स भी होंगे इसी फील्ड में काम करने वाले, खुद को बेस्ट बनाए रखना है, काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना भी आपको करना होगा। जब किसी बिजनेस को महिला होल्ड करती है, महिला रूल करती है, तो हजम नहीं होता है हमारी सोसाइटी को। आज भी चाहे आज़ादी के आज इतने साल हो गए हो, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बावजूद उसके एक बढ़ती हुई महिला, एक सशक्त महिला और एक सफल महिला, हजम नहीं होती हमारे समाज को। ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप काम करते हो, तो इट्स अ मैन वर्ल्ड, इट्स समटाइम इट्स वेरी गुड एंड समटाइम इट्स वेरी बैड, क्योंकि लोग आपका मिसयूज़ करना चाहते हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, तो हर तरह की हर्डल्स डालना चाहते हैं, वो चाहे वो काम में हो, चाहे मेरी बात मेरे वेंडर से होती हो, चाहे मैं सप्लाई करती हूँ तो मेरी बात किसी सप्लायर से होती है, जैसे जिन कंपनीज में मैं डील करती हूँ वो लोग भी कई बार बहुत तंग करते हैं, और जिनसे मैं लेती हूँ वो भी बहुत तंग करते हैं, और सबको लगता है कि चलो शी इज़ अ लेडी, क्या कर लेंगी। तो ऐसा हुआ भी था मेरे साथ में एक बार कि एक ऑर्डर के ऊपर मुझे, जिससे मैंने ऑर्डर लिया था, उन्होंने मुझे डिच किया, उन्होंने मेरा पूरा ऑर्डर नहीं किया, और जो दूसरी जो कंपनी जिसको मुझे ऑर्डर देना था उसको मैं कमिटमेंट में दे नहीं पा रही थी, तो उन्होंने मेरी बहुत भयंकर तरीके से बैंड बजाई, उन्होंने बहुत मुझे लिटरली गालियाँ दी और बहुत बैंड बजी, और वो दिन मैं भूल नहीं सकती हूँ, वो दो रात मैं सो नहीं पा रही। मतलब यही खट्टी मीठी यादें हैं। मतलब क्या होता है ना कि जब भी हम सफल हो जाते हैं तो लोगों को एक सफल सुनीता तो नजर आती है, परंतु सफल सुनीता के पीछे क्या स्ट्रगल रहा, क्या चुनौतियां रही, क्या उतार चढ़ाव रहे, ये किसी को समझ में नहीं आता। तो ये खैर बहुत बड़ी बात है कि आपने तब भी हिम्मत नहीं हारी, आप लड़ती रही, आप लगातार चलती रही, लगातार प्रयास करती रही, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। तो इसीलिए बस द थिंग इज दैट कि जब ये प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तो आपको संयम ही रखना पड़ता है। मैं तो यही कह सकती हूँ कि बिना संयम के, बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ेंगे, और परिवार भी आपका अच्छा होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ें। अच्छा, कोविड का दौर आपके लिए कैसा रहा, क्योंकि आपका जो बिजनेस है उसने तो और ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, बहुत ज़्यादा, जब कोविड का 7-8 महीने का समय रहा, सभी धंधे पानी, सारे बिजनेस, सारी नौकरियां जो थी ठप पड़ी थी, सभी की सैलरीज कम हो गई थी, ऐसे में आपका 20 से ज़्यादा लोगों का स्टाफ है, उन लोगों को सैलरी मुहैया कराना, व्यवस्थाएं मुहैया कराना, व्यापार आपका हो नहीं रहा था, तो वो कैसा दौर था आपके लिए, क्या अनुभव रहा? कोविड एक तरह से बहुत बुरा रहा, सभी के लिए बहुत बुरा रहा, और बिजनेस तो सभी का एकदम बंद हो चुका था, काफ़ी लोगों का बंद हो चुका था, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी कंपनी एक अच्छा काम करती थी, और इसलिए हमें प्रॉब्लम तो बहुत आई। कुछ समय के लिए ऐसा हुआ कि 6 महीने के लिए हमने भी हमारे जो स्टाफ थे उनकी कुछ सैलरीज परसेंटेज वाइज उनकी पोजीशन के हिसाब से कट कर दी। 6 महीना तक हमने उनको सैलरीज कुछ कुछ कट करके बाकी सैलरी दी, उनको रोका नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज कट किया, और कहीं ना कहीं वो गिल्ट हमें होता रहा कि हमने उनके मतलब सैलरी कट की है। तो उस समय तो ऐसा लग रहा था कि 500 रुपये की कॉफ़ी भी क्यों पिए, कि वो आप जाके 500 रुपये उसमें वेस्ट करो, तो ये पैसा रख लो ताकि आप जिनके पैसे जो आप पे डिपेंडेंट हैं उनके पैसे तो आप ना लो, उनको दे सको। तो ये कहीं ना कहीं गिल्ट बहुत ज़्यादा रहता था कि हमने परसेंटेज वाइज 10% भी किसी काटा है या 20% भी किसी काटा है, तो ये बहुत गलत है। तो वही दिमाग में चलता रहा, और ये 5-6 महीना तक ये पोजिशन रही हमारी कि हमें पैसा लोगों कट करना पड़ा, हालांकि हमने किसी को निकाला नहीं और किसी का पैसा पूरा नहीं कट किया, पर
दिवाली के पहले जैसे ही बिजनेस एक दौर फिर से पकड़ा, हमने सबसे पहले उनके जो कटे हुए पैसे थे पूरे के पूरे उनको दे दिए और फिर धीरे धीरे हमारा रोटेशन वापस से चालू हो गया। और ये इसीलिए भी हुआ क्योंकि एक कंपनी में स्टेबिलिटी थी, एक मेहनत करके हम इस मुकाम पे पहुंचे थे, एक फाइनेंशियली हम स्ट्रांग हो चुके थे कि ये इतना बड़ा नुकसान भी हम बैर कर सकते थे। क्योंकि इस समय तो बहुत सारी कंपनियां उठ चुकी थी, बहुत सारे बिजनेस बंद हो चुके थे, लेकिन शायद अगर हम इतनी मेहनत नहीं करते, अगर 10-12 साल में मैं इतनी मेहनत नहीं करती तो मुझे लगता है कि मैं भी अपनी कंपनी आगे चलती। बिल्कुल ठीक बात है, सक्सेस मिल जाना और उस सक्सेस को लगातार कायम रखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हो। सुनीता जी, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है खुद को बेस्ट बनाए रखने के लिए? कोविड का भी एक लंबा समय रहा, सभी के धंधे पानी ठप हो गए वैसे समय में, परंतु वैसे में भी खुद को बेस्ट बनाए रखने के लिए सुनीता जी आप क्या करती हैं? क्लाइंट्स आपके इंदौर से ही हैं या मध्य प्रदेश के बाहर के लोगों के साथ भी आप डील? क्लाइंट्स मेरे ऑल ओवर हैं, इट्स पैन इंडिया, मेरा काम पैन इंडिया है, कहीं से भी होता है आजकल, थ्रू ईमेल्स, थ्रू प्रेजेंटेशन एंड फिर आपके उसके हिसाब से आपके गिफ्ट्स लोगों के पे आप फिजिकल सैंपल भी पहुंचा देते हो, तो उस तरीके से भी काम चलता है। और हम बिलीव करते हैं कि हम में क्या यूनिटी, हम में क्या अलग कर रहे हैं, ये भी समोसे बेच रहे हैं, हम भी समोसे बेच रहे हैं, हमारे समोसे में अलग क्या है, क्वालिटी क्या है, तो वी गिव द प्रेफरेंस टू द क्वालिटी। हम कस्टमर से ये नहीं कि आज हमने कॉन्ट्रैक्ट, आज हमने ऑर्डर किया, इसने ख़रीदा और हमने बेचा और ख़त्म, हम उनसे रिलेशन बनाना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग ख़रीदते हैं और वो जब सामान उनके पास पहुँचा तो वो ब्रेकेज हो गया, टूट गया, ख़राब हो गया, तो उस समय हम लोग बिल्कुल ये नहीं कहते कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उस समय हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और हम रिप्लेसमेंट देते हैं, चाहे हमें उस समय नुकसान उठाना पड़े, लेकिन हम रिप्लेसमेंट जरूर देते हैं उनको। और मेन मोटो हमारा ये है कि कस्टमर हमारे पास आए तो सेटिस्फाइड रहे, वो हैप्पी रहे, और थोड़ा नफा नुकसान ये तो बिजनेस है, होता रहता है। आपकी जो आइडियोलॉजी है कि आप अपने साथ अन्य महिलाओं को भी सशक्त करने का प्रयास करती हैं, तो क्या आपने आपके स्टार्टअप के साथ दूसरी महिलाओं को भी जोड़ने की कोशिश की या अपने स्टाफ में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, ताकि महिलाएं सशक्त हो पाएं? आप चूंकि महिलाओं के बारे में ज़्यादा सोचती हैं, आप चाहती हैं कि आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर महिलाओं की सहभागिता ज़्यादा हो, तो क्या आप ऐसे कोई प्रयास करती हैं सुनीता जी कि आपके द्वारा 100 और सुनीता तैयार हो, ताकि वो 100 और सुनीता अन्य महिलाओं को अपने साथ जोड़ें और एक सशक्त समाज की रचना? जब कभी ऐसा मौका मिलता है, जैसे कि मैं समाज में भी एक्टिव रहती हूँ, जब कभी ऐसा मौका मिलता है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर किसी को बताने से या सिखाने से कुछ फ़ायदा हो सके तो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि, और महिलाओं के लिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि स्पेशली जो लोग जिनका परिवार इतना सशक्त नहीं है, जो फाइनेंशियली इतने बेस्ट नहीं है, तो वैसे लोगों को मैं अपने यहाँ पे जॉब में रखना ही पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो भले वो लड़की क्यों ना हो, तो लड़की है और गरीब परिवार से, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। तो मैं, ये मेरी कोशिश रहती है और मेरे स्टाफ में भी रहते हैं ऐसे लोग जिनको मैं कोशिश करके आगे बढ़ती हूँ। खैर, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं सब दूर तो नहीं पहुँच पाती हूँ, लेकिन मेरे आसपास में जितने लोग रहते हैं मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं उन लोगों को अपनी मदद जितनी दे पाती हूँ वो दूँ। सुनीता जी, क्या कहना चाहेंगी उन महिलाओं के लिए जो इस वक्त आपको देख रही हैं, जो नौकरी पेशा हैं, करना चाहती हैं कुछ अलग समाज के लिए, कुछ अलग करना चाहते हैं स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी गेन करना चाहती हैं, परंतु वो हिम्मत, वो जज्बा, वो उत्साह जो आपके अंदर है कहीं ना कहीं रुक जाती हैं करने से पहले कि पता नहीं मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि महिलाओं की असफलता का इंतजार पूरा समाज ही करता है। ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन महिलाओं को जो आपको देख रही हैं इस वक्त? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप में जज्बा है, आप में ये फीलिंग है कि मुझे काम करना है, तो मेरा कहना है कि जहाँ पे चाह है वहीं पे राह है। अगर आपकी चाहत है तो राह जरूर मिलेगी आपको, और मेहनत और ईमानदारी ये दोनों आपके साथ में नहीं चाहिए, आप मेहनत करते रहिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि सक्सेस ज़रूर जाओगे। क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझ में भी था जब मैंने काम शुरू किया था, और मैं भी ये समझती थी कि अगर मैं सक्सेस हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, जिस पोजीशन में मैं उसी में रह जाऊँगी। लेकिन मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ग्रेस ऑफ गॉड और मेहनत की नतीजा है कि मैं सक्सेस हूँ, और
मुझे खुशी होती है कि मैं इतना काम कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा बुरा सारी तरह के एक्सपीरियंस हुए। लाइफ जो है इजी नहीं होती है, बहुत टफ होती है। हर मोमेंट्स में आपको बहुत सारी उलझने आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, और एक महिला उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको अपना घर परिवार बच्चे अपना पति उसके साथ साथ में समाज उसके साथ साथ में काम सारा देखना पड़ता है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि उन पे बोझ जरूरत से ज़्यादा होता है, लेकिन आपकी समझदारी और आपकी मेहनत से आप उन सबको हटा सकती है, एक एक मुश्किलों को आप भगा सकती है और आप जरूर सफलता पा सकती। बिल्कुल ठीक, आपकी लगनशीलता के चलते, आपकी अच्छी योजना के चलते, आपकी अच्छी नीयत के चलते, नियति आपके हक में ज़रूर फैसला करेगी। कुछ ऐसा ही कहना है सुनीता बाहेती जी का। मुझे दीजिए इजाज़त।